नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है, यानी कोरोना का काल अब खत्म हो चुका है। इससे अब डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की जो वैक्सीन है वो दिल्ली पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची है। पुणे से 13 शहरों में भेजी गई है वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट से देश में 13 जगहों पर वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य भी इसमें शामिल हैं। अब कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतने की अभी जरूरत यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में अब दिल्ली वैक्सीन पहुंचने वाली है। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। स्पेशल फ्लाइट से पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 10 बजे सुबह आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी वैक्सीन, जिसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट लगातार कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है और आज सुबह ही कोरोना वैक्सीन दिल्ली पहुंच गई है, जिसके बाद 16 जनवरी यानी कि कुछ दिन बाद से टीकाकरण शुरू होने वाला है। ऐसे में अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।